हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ारा मिर्ज़ा और आपके लिए मैं लेके आई हूँ आज बहुत ही अच्छी सारी वीडियो। और आप ये देख रहे हैं किटन। अगर आपको एक किटन्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इन प्यारे प्यारे प्लफी और हेल्दी किटन्स के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं माइट्स के ऊपर। कई लोग क्वेश्चंस करते हैं कि माइट्स क्लीन कैसे किया जाए, या फिर माइट्स को बहुत इजीली लोग लेते हैं। तो माइट्स बहुत छोटी दिखने में बहुत रेयर बीमारी है, लेकिन वो स्प्रेड भी हो सकती है। देख रहे हैं आप माइट्स के, मैंने पिक इस पर लगाई। माइट्स दिखने में इस तरह होते हैं और ये डे बाय डे एग देते हैं। अगर हम इन्हें क्लीन नहीं करते हैं तो हमारे कैट्स को स्किन प्रॉब्लम, स्किन इशू होने शुरू हो जाते हैं। और इसको स्प्रेड होने से रोकने के लिए हमें उनको प्रॉपरली क्लीन रखना चाहिए। मतलब उनको 15 डेज़ में या पर मंथ बाद दें अच्छे से शैम्पू से, और इनके ईयर वगैरह क्लीन करके रखें। और मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे क्लीन करना। ये क्लींज़र है हमारा वायरबैग का, आपको ये लेना है। और इससे पहले आपको डाल के, और उसके बाद में ये पामेसॉल ईयर ड्रॉप है, ये मैंने साइड में पिक लगा दिए क्लीन करने। और फिर ये हमारा टूल है, और अगर हम चाहें तो इसको यूज़ करें, नहीं तो आप हैंड से भी क्लीन कर सकते हैं। मैं तो यूज़ करती हूँ इसकी, जो ये आगे से पॉइंट है बहुत ही अच्छी रहती है क्लीन करने में, तो कन्वीनियंट रहती है मुझे, तो मैं तो इसी से क्लीन करती हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। अपने किटन के कान में देखा, हमारा किटन को तो खैर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का फुल्का सा मैल है, गंदगी है, माइट्स वगैरह इसको नहीं है। तो ऐसे सिर्फ हम क्लीन करके आपको दिखा रहे हैं इसको। तो पहले क्लींसर डाला कान में, और फिर यहाँ कान के जो ईयर है बिल्कुल इसके नीचे से उसको हमने हल्का हल्का रब किया। और रब करने के बाद आप देखेंगे अंदर से सारी गंदगी जो है ना ऐसे क्लीन हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम इसको कॉटन लेंगे, और कॉटन से इसको अच्छे से क्लीन करेंगे अंदर तक, जहाँ तक जा सके। अगर हमारी कैट्स को ईयर माइट्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप ईयरबड का यूज़ करें, क्योंकि ईयरबड कन्वीनियंटली अंदर चली जाती है। उसमें अंदर ईयरबड को डालने में कन्वीनियंट रहती है। और अगर हल्के फुल्के हैं क्लींज़र तो आप इस तरह भी क्लीन कर सकते हैं अपने ईयर्स कैट के। और ये अंदर तक अच्छे से क्लीन हो गए। और देन आफ्टर दैट हम इसमें डालेंगे जो हमारी ड्रॉप हमने बताई थी एयर वाली पामेसॉल, ये डालनी है। इसमें हम 1 to 2 ड्रॉप डाल सकते हैं, और हमने ये इसमें डाल दी। और एक बात का अच्छे से ध्यान रखिए, जो कि मैं आपको बता रही हूँ, अपने कैट्स को क्लीन करना है सिर्फ ओनली ईयर। तो आपने माइट्स के अकॉर्डिंग क्लीन कर देने, ज़्यादा गंदे ईयर हैं तो आप उसको डेली भी क्लीन कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर वीकली भी कर सकते हैं। और अगर हो गए हैं तो आपको तो डेली साफ़ करने ही होंगे। शैम्पू वगैरह अप्लाई कीजिए उनको अच्छे से, टाइम पे डिवॉर्मिंग कीजिए, उनकी स्किन का खास ख्याल रखिए। क्योंकि जो पर्शियन कैट्स होती हैं उनको स्किन इश्यूज़ इतनी ज़्यादा हो जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। और सेंसिटिव होने के साथ साथ उनको हेल्थ इश्यूज़, स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ही इजीली हो जाती हैं, बहुत ही आसानी से हो जाती हैं। सो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी, आप अपनी कैट को क्लीन रखें, पूरी इसकी बॉडी को क्लीन रखें, उसको फंगल वगैरह चेक करते रहें। हल्का फुल्का फंगल हो तो तभी से उसका ध्यान रखें आप, उसके बढ़ने का वेट ना करें। कई लोग क्या करते हैं, जब कैट्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उन पर ध्यान देते हैं। और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।